तो दोस्तों आज की वीडियो किरसन भाई की है, जो टर्बो ट्रैक्टर बुलावा मिस्त्री हैं टर्बो के। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। भाई का परिचय? भाई परिचय, नाम मेरा किरसन है। थोड़ा जोर का बोलो भाई। नाम मेरा किरसन है, गांव संगरौली, डिस्ट्रिक्ट कैथल। अच्छा अच्छा। मेरा फोन नंबर 9582 अच्छा जी। ये ट्रैक्टर की लाइन लगा रखी जी आपने, इनका क्या चक्कर है? जो टर्बो लगन ट्रैक्टर है जी सारे। अच्छा, मतलब घर अंदर जंग नहीं है? ना ना, अंदर जंग नहीं है, फिर बाहर खड़े अंदर भी खड़े हैं 3-4। अच्छा अच्छा, अंदर भी यू ट्रैक्टर आ रहा है कीमत से टर्बो लगाने वास्ता। अच्छा जी। 53-10 कुछ फिटिंग तो इसकी होगी कुछ। अच्छा दोस्तों दिखा दे अपना, कुछ तो फिटिंग हो रही है इसकी और कुछ रह रही है फिटिंग, बाकी मॉड नहीं हो रही जी, वो कंपनी फिटेड पर की फिटिंग हो रही। यू ट्रैक्टर आ रहा जी जज्जर से। अच्छा जज्जर। जज्जर से कितने किलोमीटर लगभग? जज्जर उसने भाई, जज्जर से भी आगे है बड़े, उसने पड़ा 260 किलोमीटर एक साइड है भाई। ट्रैक्टर छोड़ का भगे। अच्छा। इसकी टर्बो लगानी, पंप की फुल मोटिवेशन करनी है। अच्छा जी। ट्रैक्टर की 15-20 हॉर्सपावर बढ़ानी है, बाकी वीडियो में बाद में देखिए। अच्छा, और नहीं दोस्तों अपना इस चैनल पर वीडियो परफॉर्मेंस अपना बाद में दिखेगी इन सभी ट्रैक्टर की। ट्रैक्टर आया भाई राजोन से भी आगे से। अच्छा, राजोन है, राजोन से आगे से है, कोई गांव का नाम बता रहा था। उसने 70-80 किलोमीटर पड़े जींद के आसपास है। अच्छा जी। बाकी ये सारे ट्रैक्टर टर्बो वास्ते ही आ रहे जी? वो भी टर्बो उसकी पंप की मोटिवेशन साथ में। अच्छा जी। यो फार्म ट्रैक 60 है, यो सोनीपत से आगे से आ रहा। अच्छा जी। हां यो सोनीपत से आगे से आ रहा फार्म ट्रैक 60, इसकी आपको फिटिंग दिखा। अच्छा, इस पर टर्बो लग लीजिए, मतलब कंप्लीट है? कंप्लीट है, यो कल लेकर जाएगा भाई। अच्छा, ओनर आए नहीं अभी है? दोस्तों ये टर्बो की फिटिंग है। हां ये लग ली है फिटिंग तो। बढ़िया हो रही। एक यू जॉन डियर 50-39-40 HP का ट्रैक्टर है। ये मालक खड़े हैं भाई, ये भी सोनीपत, कहाँ से है? सोनीपत से। और ये 265 भी नहीं का भाई का? 265 भी नहीं का, ये 30 हॉर्सपावर वाला 265 है, 40 का। बाकी ये दोनों भाई खड़े ट्रैक्टर के। ये ट्रायल का है भाई, कैसी परफॉर्मेंस थी? ना बढ़िया है भाई, एक नंबर है, एक नंबर पर। बढ़िया है क्या? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अच्छा, ना जो रियलिटी है वही बताने की? ना, बहुत बढ़िया भाई। और तो भाई 265 है, 100+100 अभी। अच्छा, मतलब जो सोच का आए थे बढ़ का मिला उससे भी के मिन के में ऊपर। अच्छा ठीक है भाई। इस पे मोटर पर लगा दी, उस पे भी लग गई फिटिंग होली सारी। अच्छा अच्छा। और ये लेकर आने वाला, मतलब डिलीवरी है इस टाइम इनकी? हां दोनों ट्रैक्टर ये लेकर आए। अच्छा भाई, यू ट्रैक्टर है नीलो खेड़ी से आ रहा। अच्छा अच्छा, यू ट्रैक्टर फार्म ट्रैक 65 छोड़ के गया। इस पे भी टर्बो ही है जी? हां इस पे भी टर्बो ही लगने वाला है। और जो बाकी अंदर खड़े हैं? बाकी दोस्तों आपने दिखा दिया अंदर खड़े हैं जो। यू 56-20 में तो टर्बो गेला ही नहीं आवा जी। हाँ, इसकी मोटिवेशन चल रही है। मोटिफिकेशन किस किस चीज की? पायदान की चल रही है और अंदर की मोटिवेशन करी है इसकी थोड़ी। अच्छा जी। दोस्तों प्लेटफॉर्म आपने दिखा दिया, प्लेटफॉर्म ऊपर उठाए हैं जो कंपनी फिटेड, बहुत डाउन हुआ एक ट्रैक्टर। और मॉडिफिकेशन किसकी चीज के जी? इसके अंदर की मॉडिफिकेशन है और अंदर ये लाइटा की, लाइटा की नहीं, इंजन के अंदर। अच्छा अच्छा, ये लाइटा भी खोल रखी है। एक यू ट्रैक्टर है जॉन डियर 50-50D। अच्छा जी। हाँ, इसमें 16 के टायर है, इसमें टर्बो पहले भी लग रही थी और अपग्रेड करे, बड़ी टर्बो लाई है और इसकी पंप की भी फुल मॉडिफिकेशन होगी। अच्छा, टर्बो पहले ही थी इसमें? कंपनी तो नहीं दी टर्बो इसमें? कंपनी ने बाहर तो लगवा रखी है। नहीं बाहर तो लगवा रखी थी। हाँ, बाहर तो भी लगवा रखी है, इसका काम हो रहा पूरा। अच्छा जी, पहले ही मतलब बंदे ने पूरा एक्सपेरिमेंट इस पर कर रखा जी। दोबारा भी इसना वीडियो में दिखाऊंगा, और भी अपग्रेड करना है मतलब। बाकी वो ट्रैक्टर दो वो अपने। अच्छा, ये दोनों अपने जी। हाँ दोस्तों, इनकी तो परफॉर्मेंस आपने देखी होगी यूट्यूब पर, इसी चैनल पर पड़ी भी है, जो स्टंट मारे थे। और 415 भी जो 855 भी टक्कर दे गया था। और आप एक बारी ये कॉन्टैक्ट नंबर और बता दीजिए अपना। मेरा जी कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा जी कॉन्टैक्ट नंबर 9582 7001। अच्छा जी। एक नंबर है जी 9068-46-9005, एक नंबर यू है। अच्छा, जिस तरह आप टर्बो लाओ जी, पंप की भी मॉडिफिकेशन करो या खाली टर्बो टर्बो लाओ? आप टर्बो भी लगावा जी। अच्छा, पंप की मॉडिफिकेशन भी साथ में करा और पूरी गारंटी भाई ना। नहीं मतलब कोई टर्बो वाला है जी बंदा, उसकी पंप नीचे उतर का मॉडिफिकेशन हो या ऊपरी सेटिंग हो जी? ना पावर ज्यादा लेनी। अच्छा। 10-12 HP तो मैं वैसे बढ़ा दिया भाई, कोई कह रहा है मना 18-20 हॉर्स पावर चाहिए। अच्छा जी। उसकी फिर पंप की मॉडिफिकेशन कराऊं, डीजल खर्चा आपका वही रहेगा,
घटेगा पहले हेवी। और जिस भाई का कोई सामान समझ में नहीं आया, भाई पावर नहीं माना, अच्छी लगी कम है, उसका सामान भाई न्यू की न्यू उतार लेंगे। अच्छा, संतुष्टि मतलब गाहक की पूरी दोगे जी, अगर बंदा पूरा संतुष्ट नहीं हो तो उसका सामान न्यू की न्यू उतार लेंगे, मतलब बंदे का कोई एक रुपये का भी खर्चा नहीं, घर तक की संतुष्टि है। हाँ देखो जी, थोड़ा इतना तो विश्वास करना ही पड़ा ही है बंदे ना। ये तो है नहीं जमी आप भाई भगवान ही है ना जी ना, सारे ना तो संतुष्ट कोई भी नहीं कर सकते, कहना ये ब्याह को सारे खुश नहीं हो सकते। हलवाई क्या हाँ जी, बाकी हाँ। जितने भी ट्रैक्टर ईब तक तैयार करे नहीं, आज लगे एक बंदे ने भी ये नहीं कहा भाई काम नहीं होया सही। अच्छा जो आप खर्च की बात की जाए, जो सारे ट्रैक्टर का सेम खर्चा जी, अलग अलग खर्चा हुआ है? सारे ट्रैक्टर का अलग अलग खर्चा पड़ेगा। अच्छा, ये नहीं, सारे ट्रैक्टर का ही खर्चा नहीं है। अच्छा, किसी में सुक्का फिल्टर लगाना पड़ा, किसी में फुट सुक्का फिल्टर। हाँ जी हाँ, जो तो अपने अपनी पसंद है, बाकी अपने अपनी सेटिंग है। किसी ने जी करा लगवा ले, किसी ने नहीं जी का भाई बाकी रखना है उसी में। आप सुक्का फिल्टर लगाओ जी या तेल वाला, कौन सा बेस्ट है? मैं तो सुक्का फिल्टर ज्यादा लगा के खुश हो जी, उसमें तेल उठाने की दिक्कत नहीं रहती, ज्यादा पावर आरपीएम कर ले नीचे है तेल उठा ले डब्बे में। अच्छा हाँ, फिर कुछ टाइम बाद दिक्कत लग जान, कुछ टाइम तो चलेगा आपका साल छह महीने तो फिर अड़का अड़का कभी कभी तेल उठा ले ट्रैक्टर, तो फिर टर्बो में अंदर तेल बग जा, जितना बेटर सुक्का फिल्टर है नी। तो रेट की बात की जाए जी, रेट फोन पे ही या बताओगे? नहीं नहीं, सब ट्रैक्टर का अलग अलग हिसाब है, मैंने आज रेट बता दिया। हाँ जी, छह महीने साल बाद लोग इसी बात ना फिर कहेंगे, क्या कहेंगे, इनको रेट आपने वो बताया था, तो इस करके कोई फायदा नहीं है रेट बताने का। माने आगे से माल सस्ता मिलेगा, कम हो जाएगा रेट, आगे से माल तो बढ़न पे। हाँ जी हाँ जी, वीडियो छह महीने वीडियो और साल साल की वीडियो दिखा दिखा कर ये बात कहवा कि आपने इस वीडियो में यू रेट कहा था ना जी। वो तो ट्रैक्टर अगला सबका अलग अलग खर्चा है जी, फिटिंग का और जो एयर क्लीनर का खर्चा है वो तो अलग ही है जी, और सलेंसर वगैरह वो तो अलग है, वो तो अपने जिम्मेदार के डिपेंड है, कोई सलेंसर कैसा लगवा रहा है, कोई गेल आला लगा रहा है, उस पर कोई खर्चा ही नहीं है। अच्छा जी जी, ओके दोस्तों, जैसी वीडियो लगा कमेंट करके जरूर बताइए, शेयर करिए दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करिए, थैंक यू दोस्तों।